हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियर्स जो हैं थर्ड सेम की, उनके लिए सब्जेक्ट एंड बुक्स कौन सी रहने वाली हैं आईपीयू में। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसके लिए आप आरएस खुरमी ले सकते हैं, या फिर आप राजपूत ले लें, या फिर आरके बंसल ले लें। देन आपका आता है फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए आप आरके बंसल लें। देन थर्मल साइंस में पीएल बलानी की बुक आती है आपकी, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप नोट्स से ही पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसकी कोई सिंगल बुक नहीं है। ऑल दो आईपीयू में लोकल बुक्स बनाई जाती हैं, टीचर्स बनाते हैं ऐसी बुक जिसमें कि आपके सारा यूनिट वाइज ही प्रॉपर वो बुक बनाई जाती है। अगर वैसी कोई बुक आपको मिल रही है तो आप ले सकते हैं। आप कोई से भी स्टोर पे चले जाइए, आईपीयू के जो सामान रखते हो आपके कॉलेज के नियर ही कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं। जैसे आप अम्बेडकर में देखेंगे सोहन पाल है, एनआईसी के पास भी सोहन पाल की ही दुकान है। NIC में अगर देखेंगे तो उनका पूरा जो उनका खुद का एक स्टेशनरी है, उसके अंदर भी आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाते हैं। तो आप चीज़ों को ला सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, मिल जाएंगी कहीं ना कहीं आपको। देन आपका है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, जिसके लिए बुक है आपकी VK मेहता। देन उसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, इस सब्जेक्ट के लिए आपको क्या है, कोई भी एक प्रॉपर बुक नहीं है जिसमें सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएं। तो आपको अलग 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 इसके भी पैचेस में ही चीज़ें मिलेंगी। तो ये भी आपको ऐसा कह सकते हैं कि नोट्स की तरह ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कहीं कहीं कुछ टॉपिक मिल जाएंगे, तो आपको उस तरह से इस सब्जेक्ट को भी करना है। इनके अलावा भी आपको कोई भी बुक और मिलती है अपनी लाइब्रेरी से, अपने बुक बैंक से, तो आप ज़रूर यूज़ करें। नोट्स मिलते हैं, जितने हम प्रोवाइड करा सकते हैं हम भी प्रोवाइड कराएंगे अपने ग्रुप्स पे, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सब्जेक्ट अगर मैं कहूँ, इसके लिए एक और बुक भी आती है साधु सिंह की, ये पर काफ़ी हाई लेवल बुक होती है। तो अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है बहुत ज़्यादा और एक्सेल करना है अपने आप को, अपने सब्जेक्ट्स को, तो आप ऐसी बुक्स भी ले सकते हैं। आपको बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है, फॉरेन ऑथर्स की भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहो तो फॉरेन ऑथर्स की ले लो, चाहे ऑनलाइन कोई बुक डाउनलोड कर लो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरा। बट ये है कि ये जो है इनमें आपको सारा, जो बुक्स मैंने लिस्ट करी है इनमें आपको मिल जाएगा जो भी आपका कोर्स रिलेटेड कंटेंट है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।